मिचेल स्टार्क की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार गेंदबाजी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद के सुरमाओं ने घुटने टेक दिए। भारतीय सरजमी पर विश्व विजेता बनने वाले पैट कमिंस का जादू भी नहीं चला। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के खिताबी मुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से बुरी तरह हरा दिया है। हैदराबाद ने बड़ी मुश्किल से 114 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे कोलकाता ने 10.3 ओवरों में आसानी से हासिल कर लिया। इस तरह से ये किसी भी आईपीएल फाइनल में सबसे कम गेंदों में पाया गया लक्ष्य है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। वे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद तीसरे सबसे सफल टीम बन गई है। जैसे ही कोलकाता ने विनिंग रन लिया, स्टेडियम में मौजूद शाहरुख खान, उनकी वाइफ गौरी खान, बेटी सुहाना खान और को ओनर जूही चावला का जश्न देखते ही बन रहा था। डगआउट में बैठे मेंटोर गौतम गंभीर के चेहरे की हंसी बहुत कुछ बयां कर रही थी। जब केकेआर पिछली दो बार चैंपियन बनी थी तो गौतम गंभीर इस टीम के कप्तान थे, और अब मेंटोर आईपीएल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ने कप्तान और फिर मेंटोर के रूप में एक ही टीम को चैंपियन बनाया है। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर के कप्तानी की तारीफ करनी होगी। उन्होंने मैदान पर शानदार तरीके से टीम के प्लान को अंजाम दिया। कोलकाता के लिए सबसे अधिक वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के के दम पर नाबाद 52 रन की पारी खेली, जबकि रमनदीप गुरबाज ने 39 रन की पारी खेली। इससे पहले हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका, जिससे टीम 17वें चरण के फाइनल में 113 रन पर सिमट गई। यह आईपीएल फाइनल में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का सबसे कम स्कोर भी रहा। स्टार्क ने नीलामी में मिली रिकॉर्ड राशि को सही साबित करते हुए 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट चटकाए। आंद्रे रसेल ने 2.3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट, जबकि हर्षित राणा ने 4 ओवर में एक मेडन से 24 रन देकर 2 विकेट झटके। केकेआर ने 2024 चरण में शुरू से शानदार क्रिकेट खेला है, और अब ये एक तरफा फाइनल भी उनके 17वें चरण में दबदबे का सबूत है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने पहले दो ओवरों में अपने सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के विकेट गंवा दिए, जिससे स्कोर 2 ओवर में 2 विकेट पर 6 रन था। लीग चरण की निराशा के सही समय पर वापसी करने वाले स्टार्क ने आसमान पर छाए बादलों की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। स्टार्क ने पहले ही ओवर में गुड लेंथ गेंद पर अभिषेक के ऑफ स्टंप उड़ा दिए, जबकि अगले ही ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर हेड के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों में समा गई। हेड पिछले 4 मैचों में 3 बार 0 पर आउट हुए हैं। राहुल त्रिपाठी भी स्टार की गेंद पर रमनदीप सिंह को कैच देकर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म होने तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट पर 40 रन था। स्टार को 24.45 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, और उनके पहले स्पेल उनकी इस कीमत की भरपाई भी हो गई। रसेल ने मध्य के ओवरों में शिकंजा कस दिया। नीतीश रेड्डी और एडन मार्कराम के विकेट गिरने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने की रही सही कसर भी टूट गई। पावर प्ले के बाद हेनरिक क्लासेन को राणा ने आउट किया, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़े आक्रामक खेलने की उम्मीद थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने 62 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कोई उम्मीद नहीं बची थी, और कप्तान पैट कमिंस ने 24 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT स्पोर्ट्स के साथ।